रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम शबीर और आप प्रोग्राम देख रहे हैं हम और हमारा माहौल। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान जो रिसेंटली COP24 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज भी जिसे इन अदर टर्म्स कहा जाता है उसकी 24th मीटिंग से वापस आया है, तो उसमें पाकिस्तान 5 कमेटीज में सेलेक्ट हुआ है और नेक्स्ट कॉप के लिए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी सेलेक्ट किया है। हम लोग क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में भी सेलेक्ट हुए हैं जो कि पाकिस्तान वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 10 बिलियन ट्रीज सुनामी की बात हो रही है, वो प्लांट हम करने जा रहे हैं इमरान खान के अंडर, लेकिन उसके साथ साथ जो KP में बिलियन ट्रीज सुनामी प्लांट हुआ था उसको हमने तेलंगाना डायलॉग में एज अ सक्सेसफुल स्टोरी सेल किया। इस पर हम बात करेंगे और इसके अलावा क्लाइमेट चेंज में जेंडर मेनस्ट्रीमिंग किस तरह हो सकती है उस पर बात करेंगे फेडरल मिनिस्टर मलिक अमीन असलम के साथ। आइए उनसे पूछते हैं। मलिक अमीन असलम साहब, थैंक यू सर। 10 बिलियन ट्री सुनामी की बात हम करते हैं तो उसमें जैसे कि आपने मेंशन भी किया कुछ देर पहले कि कोयटा में कुछ ऐसे स्पीशीज प्लांट कर रहे हैं जो वाटर रिसाइकलिंग में हेल्प करेगी, तो क्या जो 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट है थ्रू आउट कंट्रीज क्या हम ऐसे स्पीशीज सेलेक्ट करें, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें पंजाब की जिसमें इंडस्ट्रियल हब है कालाशाह गागू ऐसे एरियाज जिसमें बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो क्या हम वहाँ भी ऐसे स्पीशीज प्लांट करने जा रहे हैं, क्या है इसका प्रोग्राम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो 10 बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट है उसमें हमने अभी ये किया क्योंकि ये प्रोविंसेस ने करना है सबने, तो हमने सब प्रोविंसेस से उनका इनपुट लिया है और वो हमारे पास अब आ गया, उसको हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। उसके ज़रिए हमने प्रोविंसेस से ये पूछा कि आपने टारगेट क्या रखना है, आपने मॉडल क्या रखना है और आपने टाइम टेबल क्या रखना है, आपकी फंडिंग आपको क्या चाहिए और अपने ट्री स्पीशीज़ कौन सी इस्तेमाल करनी है। तो सबके बड़े डिफरेंट हैं, बलूचिस्तान का डिफरेंट है, पंजाब का डिफरेंट है, पंजाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स का डिफरेंट है, लेकिन वे जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास वो सारे मॉडल आ गए हैं और मेन चीज़ होता है उसको प्लान करना और फिर उसकी फंडिंग करना। तो हमारी वो प्लानिंग अब बिल्कुल फाइनल स्टेज में है उसकी, उसमें हम फिर उसको रोल आउट जब करेंगे तो उसको बताएंगे कि टारगेट्स क्या हैं प्रोविंसेस के, वो किस किस्म का मॉडल यूज़ कर रहे हैं। जो बलूचिस्तान का एक चीज़ हमें मिली उसमें वो ये थी कि कोयटा के अंदर पानी की कमी है इस वक्त, लेकिन कोयटा के अंदर ही जो आपका जो वेस्ट वाटर है वो रिसाइकिल नहीं हो रहा और वेस्ट वाटर की रिसाइकिलिंग का प्लांट लगा हुआ है, उसकी बिजली की बिल की वजह से वो रिसाइकिलिंग प्लांट बंद हुआ है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक जुल्म है कि आपके पास वेस्ट वाटर भी है, आपको पानी की कमी भी है, आप उसको रिसाइकिल नहीं कर रहे। तो उसको अगर रिसाइकिल करेंगे तो वो पानी ऐसा हो जाता है कि वो आप उसके ज़रिए प्लांट्स उगा सकते हैं, आप उसके ज़रिए घरों में गाड़ियों का धोना, लॉन है तो उसकी वाटरिंग के लिए बहुत सारे यूजेस में वो लाया जा सकता है। तो उसकी तरफ हम इंशाल्लाह हम उनको देख रहे हैं। इसी तरह हम हर जगह पर कोशिश कर रहे हैं कोई ना कोई इनोवेशन की जाए ताकि जो अगर कोई मसला है तो उसको रिमूव करने के लिए कोई ऐसा तरीका बनाया जाए कि उस मसले को हल किया जाए और हम ये अपना जो इमरान खान साहब का ख्वाब है ये पूरा कर सकें इस काम के लिए। ये जो ट्रीज़ की हम बात करते हैं इसमें फॉरेस्ट पॉलिसी है जो हमारी, उसमें बहुत कम फ़ाइन है, अराउंड 250 रुपीज़ के 100 के करीब फ़ाइन है, तो आपको नहीं लगता कि इतने ज़्यादा जो पहले KP में भी फॉरेस्ट प्लांट किए हैं आगे भी करने चाहें तो उनके प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा सा फ़ाइन बढ़ाने की ज़रूरत है, और अगर फ़ाइन इतना सा भी है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक है? ये आपने बिल्कुल सही बात की है, इसको आई थिंक एनहांस करने की ज़रूरत है। हमारे लिए तो बहुत बड़ा जुर्म होना चाहिए दरख्त काटना, 200-250 रुपये में तो उसकी टहनी बिक जाती है सर। तो आई थिंक वो उसको हम देख लेंगे कि उसमें पर्टिकुलरली जो फाइन मैकेनिज्म है वो क्या है और उसको एनहांस, आई थिंक वो एनहांस KP में तो किया गया था, बाकी अगर प्रोविंसेस में करना है तो उसको हम इंक्लूड करवाएंगे। और दिस हैज़ टू बी अ डिसइंसेंटिव कि जी लोग दरख्त ना काटें, और इसके साथ साथ एक उनको ये भी बताया जाए कि पॉजिटिवली दरख्त ना काटने का क्या बेनिफिट है आपको। जिस तरह KP में 5 लाख जॉब्स मिली, लोगों ने नर्सियाँ भी लगाईं, लोगों ने फॉरेस्ट से फ़ायदा भी उठाया, लेकिन दरख्त नहीं काटे, तो वो एक बिहेवियर चेंज था और आई थिंक वही चीज़ हमने पाकिस्तान में भी करनी है। और प्राइम मिनिस्टर साहब तो उसको फ्रंट से लीड कर ही रहे हैं, वो हर जगह पे इसका जिक्र भी करते हैं, उससे भी लोगों में बड़ी आगाही है। कल मैं लाहौर गया हुआ था, वहाँ भी मुझे कुछ वॉलंटियर्स मिले और मैं बड़ा हैरान हुआ कि उनमें जो जज्बा था और जो उनमें पॉजिटिव एनर्जी थी टू डू समथिंग गुड फॉर ग्रीनिंग पाकिस्तान, आई वॉज़ वेरी इंप्रेस्ड। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर इसको हम चैनलाइज कर लें, उनको बता दें कि आपने क्या करना है, तो आई थिंक पाकिस्तान बदल सकता है और एक हरा भरा मुल्क बन सकता है। नेशनल लेवल पे तो हम जो भी एफर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें जैसे COP24 की भी हम बात कर रहे थे तो उसमें जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं 1.5 डिग्रीज रिपोर्ट को उन्होंने नहीं माना, रिजेक्ट किया,
اسی طرح وہ پیرس اگریمنٹ سے بھی بیک آف کرنے کی سوچ رہے ہیں جب پیمنٹس کا ٹائم آ رہے ہیں. تو پاکستان کا کیا پلان ہے کہ وہ کاربن کریڈٹس کو ایک تو کس طرح کلیم کر رہا ہوگا, اور دوسرا جو ہے وہ G77 کنٹریز کے ساتھ مل کے کس طرح سے پش کرے گا ڈیولپ کنٹریز کو کہ وہ فائنینس کریں جو انہیں ڈیمیجز کاز کیے ہیں ہمارے کنٹریز میں. اس میں ہم انوویٹیو ویز, ایک تو ہم نیگوشیشن میں آبویسلی بات کر رہے ہیں, جو آپ نے 100 بلین کی بات کی تھی, اب 6 بلین دیا ہے, یہ تو بہت بڑی انجسٹس ہے, اور وہ تو ہم کرتے رہیں گے بات, لیکن ہم اپنے لیے جو اپنے ملک کی پرائیورٹیز ہیں ان کو فائنینس کرنے کے لیے مختلف انوویٹیو طریقے ڈھونڈ رہے ہیں. اس کے سلسلے میں ہم نے ایک کلائمیٹ فائنینس ورکنگ گروپ بنایا ہے, گرین فائنینس ورکنگ گروپ, اس کی پہلی آج میٹنگ ہے. اس میں ہم مختلف جو ڈونرز ہیں, اپنے پارٹنرز ہیں اور پلاننگ منسٹری ہے, ان سب کو ملا کے ہم کوشش کریں گے کہ اچھے کوئی ایسے انوویٹیو آئیڈیاز ڈھونڈیں جن کے ذریعے ہم اپنے گرین ایجنڈے کو فائنانس کر سکیں. جینڈر مین اسٹریمنگ کی ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ, ورلڈ بینک بھی اس پہ بہت کام کرتا ہے, لیکن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں دیکھیں تو شاید گنے چنے ہی ایسے منسٹرز ہیں جو فیمیل ہیں. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ہم جب بات کریں تو اس میں ٹرانس جینڈرز کو پرٹیکولرلی جب ہم دیکھتے ہیں دے آر ویری ورنریبل جب نیچرل ڈیزاسٹرز کی بات آتی ہے, فلڈس کی بات آتی ہے, ارتھ کویک کی بات آتی ہے. تو کلائمیٹ چینج منسٹری کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ٹرانس جینڈرز کے لیے کیا پلان کر رہی ہے؟ اس میں ہم نے جینڈر کا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور کیونکہ اسپیشلی جو کلائمیٹ چینج کے سب سے بڑے وکٹمز بھی ہیں اور ایجنٹس آف چینج بھی وہی ہو سکتے ہیں, سو یو نو یہ پلس اور مائنس دونوں ہیں اس میں. ان شاء اللہ ہم اس کو کلائمیٹ چینج پالیسی میں ہم نے ریفلیکٹ کیا ہوا ہے, اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس بیلنس کو مینٹین رکھیں اور ان کی طرف ضرور فوکس رکھیں امپلیمنٹیشن. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ملک امین اسلم صاحب نے بتایا کہ جو فارسٹ پالیسی ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں فائن بہت ہی کم ہے, اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جینڈر مین اسٹریمنگ جس میں ٹرانس جینڈر جو ولنریبل ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج کے لیے اس پہ بھی بات چیت کر رہے ہوں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں اسٹیپ پہ نیکسٹ پروگرس کب ہوگی. مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہم اور ہمارا ماحول.